गंगा में जान होला कि ओकरा जलन हो रहल बा। हां जलन होला गंगा माई के। हर हर गंगे ये फिल्म नहीं एक इतिहास है। फिल्म का ट्रेलर इतना ज्यादा खास है कि फिल्म का ट्रेलर देखकर विरोधी का मन उदास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हर हर गंगे फिल्म के ट्रेलर का। क्या कुछ खास है इस फिल्म के ट्रेलर में जो हमने बाकी भोजपुरी फिल्मों में नहीं देखा है? तो दोस्तों इस फिल्म की पहली खास बात तो ये है कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पहला ऐसा ट्रेलर है जिसमें एक भी गाने देखने को नहीं मिले हैं। जबकि भोजपुरी फिल्म के ज्यादातर ट्रेलर में 3 मिनट के ट्रेलर में 5 गाने दिखाए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा कुछ नहीं किया गया है और ये भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला ऐसा ट्रेलर है जिसमें हमें एक भी गाने देखने को नहीं मिलते हैं। और इस फिल्म की दूसरी खास बात है वो है फिल्म की स्टोरी लाइन। तोहरे दिहल जीवन मैया, तोहरे पर ही अर्पित बा, हर हर गंगे हर हर गंगे, सब कुछ तोहपे समर्पित बा। दोस्तों जहां आज भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 70, 80 और 90 के दशक की फिल्में बनती है, ज्यादातर लव स्टोरी वाली फिल्में हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, उस हिसाब से कंपेयर करें तो इस फिल्म का ट्रेलर उन फिल्मों से काफी ज्यादा अलग है। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और इस फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया करने की कोशिश की गई है। ये फिल्म गंगा सफाई अभियान पर आधारित है। हम गंगा के अपन माई माने नहीं, माई के आंचल में कोनो तरह के दाग ना बर्दाश्त कर सकेला। दोस्तों इस फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह गंगू नाम के व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जो कि समाज को जागरूक करते हुए गंगा सफाई अभियान के काम में लग जाता है। गंगा के माई माने वाला गंगू आज कसम खाता, जब तक गंगा को साफ ना कर दे तब तक घरे वापस ना जाए। फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह का पत्नी का रोल स्मृति सिन्हा निभा रही है। वहीं अरविंद अकेला कल्लू फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अमित तिवारी इस फिल्म में मैन विलन का रोल निभा रहे हैं और अमित तिवारी की ये भोजपुरी में पहली फिल्म है। इससे पहले अमित तिवारी काफी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा फिल्म में सुशील सिंह जैसे दिग्गज एक्टर का भी अहम किरदार है। चंदन कन्हैया उपाध्याय ने फिल्म को डायरेक्ट किया है और फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा शानदार है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले हैं। फिल्म के एक्शन को साउथ के एक्शन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का कैनवास काफी बड़ा है और ये भोजपुरी की एक बहुत ही बिग बजट मूवी है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने का भी प्लान बनाया गया है और ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। दोस्तों आज के समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कम एक्शन फिल्में बन रही है। ज्यादातर लोग पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं और टेलीविजन के लिए फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि थिएटर में तो अब फिल्में चल नहीं रही है और टेलीविजन पे लोग पारिवारिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है और इस फिल्म को देखने का मजा सिर्फ थिएटर में आएगा, इसलिए ये फिल्म रिलीज हो रही है 20 अक्टूबर को। तो आप लोग जाकर इस फिल्म को जरूर देखिए क्योंकि फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है और पवन सिंह का जो अंदाज है एक्शन वाला, और वो अंदाज आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगी। फिल्म का डायलॉग भी काफी शानदार रखा गया है और ये फिल्म देखने में आपको थिएटर में ही मजा आएगा। हालांकि ये फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, उसी दिन संघर्ष तू जो कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की मूवी है वो भी रिलीज हो रही है, जो कि काफी शानदार फिल्म है। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि दोनों की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी, क्योंकि आज तक का इतिहास है जब भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की फिल्में आपस में टकराती है तो दर्शकों में उन फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बढ़ जाता है और दोनों की दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट साबित होती है। और ये दोनों ही फिल्में काफी अच्छी फिल्में हैं। बात करें हर हर गंगे फिल्म के ट्रेलर का तो ये ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और मेरे तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग है। वैसे इस फिल्म को 5 भाषाओं में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने का प्लान बनाया गया है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर भोजपुरी इंडस्ट्री को पहचान दिला पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।